हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मखाने की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, जिसको आपने आज तक इस तरह से नहीं बनाया होगा और ना ही आपने ये सब्ज़ी खाई होगी। तो इस सब्ज़ी को आप देखते ही बनाएंगे, ये मेरा वायदा है आपसे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये ले लिए हैं 2 कप मखाने, या एक बाउल से आप इनको नाप सकते हैं। ये फूल मखाने हैं। इसके साथ ही 4 मिर्च, ये कम तीखी वाली हैं, और 2 टमाटर और 3 प्याज को हमने छील के ले लिया है। प्याज को हमने मीडियम साइज के लिया है। इसके साथ ही हम लेंगे थोड़ा से इसमें मखाने की सब्ज़ी को बनाने के लिए फूल मखाने का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम प्याज को 4 टुकड़ों में काट लेंगे। प्याज को 4 टुकड़ों में काट कर हम क्या करेंगे कि जो अंदर का पार्ट है इसको निकाल के बाहर के पार्ट को हम अलग अलग टुकड़ों में कर लेंगे। अंदर का पार्ट को निकाल कर हम एक बाउल में रख लेंगे, जिसको हम पीसने में प्रयोग लाएंगे। मखाने की सब्जी को बनाने के लिए फूल मखाने का प्रयोग किया जाता है। फूल मखाने के बहुत से व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसे दोनों प्रकार के व्यंजन में बनाया जा सकता है। वैसे तो ये मीठे और तीखे दोनों ही तरह के होते हैं। ये सब्जी थोड़ी क्रीमी बनती है और आप इसे रोज के खाने के लिए बना सकते हैं। और मखाने व्रत में तो खाए ही जाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मखाने को व्रत के दिनों में भी घर में बनाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप इसकी सब्जी भी अगर बना के खाएंगे तो ये सब्जी भी आपको बहुत पसंद आएगी। मखाने की सब्जी को फुलके के साथ दिन के खाने के लिए भी आप परोस सकते हैं, या फिर आप दाल चावल के साथ साइड सब्जी के तौर पर भी इसको खा सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले। देखिए, प्याज को हमने अलग अलग पीसों में कर लिया है इस तरह से, और ये जो बीच का प्याज है इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, मिर्च के डंठल तोड़ के मिर्च को भी हम एक मिर्च को लगभग 4 से 8 टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। ये मिर्चें छोटी वाली हैं और ये कम तीखी वाली मिर्च हैं, तो ये शिमला मिर्च जैसी ही खाने में लगती हैं। इनको हम इस तरह से काट लेंगे। अगर आपके पास ये वाली मिर्च ना हो, इनकी जगह अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप उनका उपयोग करें। और ये 2 टमाटर हैं, इनको हम रफली चॉप कर लेंगे। इनको हमने जिसमें हमने प्याज रख ली थी अंदर की, उसी में रख लिया है। चलिए एक पैन को गरम करते हैं और हम इसे बनाने के लिए बनाते हैं ताजी मसाला। मसाले में सबसे पहले हमने लाल इलायची 3 ली हैं और थोड़ा सा तेज पत्ता लिया है। इसके साथ ही 1 सॉस पैन की चम्मच भरकर हमने मूंगफली दाना लिया है और 1 चम्मच धनिया लिया है। इन सबको हम थोड़ा सा सेक लेंगे, जब तक इनमें से एक भीनी भीनी सी खुशबू निकलेगी तब तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने कोई तेल नहीं लगाया है, खाली पैन को गरम करके और उसी में इनको रोस्ट कर लिया है। तो देखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और बड़ी अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि इनको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में। इनको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको मिक्सी में डालकर इनको पीस लेंगे। चलिए मिक्सी का एक जार ले लिया है। सबसे पहले इसमें जो 2 टमाटर हमने काटे थे ना, उनके लिए डाल लेते हैं। इसके साथ ही ये जो प्याज के अंदर के पीस बचे हुए थे उसको डाल लेंगे। 5-6 लहसुन की कलियाँ डाल लेंगे, और ये जो तैयार मसाला, जो खड़ा मसाला भी हमने तैयार किया था, इसको डाल के हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, पेस्ट को तैयार कर लिया है, देखिए बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही क्रीमी पेस्ट बन गया है। मूंगफली की जगह आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उनको भी थोड़ा सा आपको सेकना है। चलिए अब हम एक पैन रख लेते हैं और इस पैन में लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल और इसको गर्म होने देते हैं।
पैन में घी ये तेल डालकर हमने गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें हम जो कटा हुआ प्याज हमने काटा था ना उसको, और जो मिर्च को हमने काटा था उसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे कि जब तक इसमें एक छोटी सी लेयर, क्रंची लेयर ना आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। थोड़ी सी लेयर जो क्रंची आ जाएगी ऊपर, तो बस ये उसी समय तक हमें थोड़ा पकानी है। इसको चलाते हुए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर लेंगे। चलिए ये हो गए तैयार, तो इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और उसी पैन को हमने दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें मखाने, जो 2 कप मखाने हमने निकाले थे, उनको डाल देंगे और डाल के मखाने को कड़क होने तक पकाएंगे। बस यही, यहाँ पे यही ध्यान देने की चीज़ है कि मखाने वैसे ना रहें, मतलब जो है मखाने कड़क हो जाएं, ड्राई रोस्ट जैसे हम लोग व्रत में खाने के लिए करते हैं उसी तरह से हम इसको, जब तक ये क्रंची ना हो जाएंगे, अभी हुए नहीं हैं, अभी हम थोड़ा और चलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम भूनेंगे। अब हम देखते हैं फोड़ के। वाव, अब तो ये एकदम से क्रंची हो गया और एकदम से फूट गया है। तो हम इनको निकाल के एक तरफ अलग रख देते हैं। अब हम पैन में क्या करेंगे, 1 चम्मच देसी घी लगाएंगे। इसको गरम होने देंगे। अब इसमें हम जो है 1 चम्मच जीरा डालेंगे। पैन गरम हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे सबसे पहले 1 टीस्पून जीरा, उसके साथ ही 1 टिंच हींग का डाल देंगे, और जो तैयार मसाला हमने अभी मिक्सी में पीसा था ना उसको डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे। मसाले को हम जब तक पकाएंगे कि जब तक वो कढ़ाई को छोड़ नहीं देता है। ये जो मसाला है इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, मूंगफली दाना, धनिया, जीरा, और इसके साथ ही इसमें लाल इलायची, तेज पत्ता, सब कुछ है। तो सारे मसाले इसमें हमने मिक्सी में पीस लिए थे। अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इसको अच्छे से भूनना है। चला देंगे इसको हम बीच बीच में। लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसको तेज गैस पे पकाएंगे। तेज गैस पे पकाने से क्या होगा कि मसाला जो है हल्का सुनहरा हो जाएगा, और सुनहरा होने तक ही हमें इसे भूनना है। और इसमें जो टमाटर का पानी है उसको हमें ड्राई करना है, यानी कि ड्राई होने के बाद ये क्या हुआ होगा कि ये जो है कढ़ाई को छोड़ देगा
और जब ये कढ़ाई को छोड़ देगा तो समझ लीजिए कि मसाला भुनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच या फिर जैसा भी आप खाते हैं उतना रेड चिली पाउडर इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं कुटी हुई लाल मिर्च का उपयोग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं या काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अब मसाला हमारा भुनने की तरफ हो गया है, अभी इसको हम 2 मिनट तक और भूनते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनते हैं। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें जो हमने प्याज और मिर्च को अलग से थोड़ा सॉटे किया था तेल में तो उसको डाल देंगे और भून कर देखिए अब ये एकदम से तैयार हो गया है और मसाला ड्राई भी हो गया है, तो अब ये एकदम परफेक्ट है। बहुत ही खुशबू आ रही है। इस टाइम पे हम जो मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी जहाँ मसाला लगा रह गया था उसको हमने धो के थोड़ा सा डाल दिया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, ये लगभग 2 टेबल स्पून है। और अब हम इसमें ये डाल देंगे मलाई। मलाई आप दूध के ऊपर से उतार कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम प्याज और मिर्च को जो हमने भुना था उसको डाल देंगे और साथ ही हम मखाने को डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम मखाने डालें और मसालों के साथ मिलाएंगे। आप चाहें तो इस समय पर इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पका भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहती हूँ। मैं अब यहाँ पर डालती हूँ इसमें फ्रेश हरा धनिया। तो यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया डालकर हम इसमें मिला लेंगे। अब ये हमारी मखाने मिर्च और प्याज वाली सब्जी एकदम तैयार है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे। नमक अभी तक हमने नहीं डाला था, अब नमक हमने स्वाद के अनुसार डाल दिया है। नमक डालकर हम 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए अच्छे से इसमें नमक को मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी तैयार है मखाने की बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सब्जी, एकदम तैयार हो गई है। इसे आप